उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लोरामपुर स्कीम, सुल्तानपुर में MIG अंडर SFS स्कीम मतलब सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम और रेजिडेंशियल प्लॉट अवेलेबल करवा रहा है। आप इस स्कीम में 10 जनवरी 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कीम UP रेरा के तहत रजिस्टर्ड है। इस स्कीम के तहत ग्रुप ए और ग्रुप बी में रेजिडेंशियल प्लॉट्स निकाले गए हैं। ग्रुप ए में रेजिडेंशियल प्लॉट का मैक्सिमम एरिया 162 स्क्वायर मीटर है और ग्रुप बी में 75 स्क्वायर मीटर और 162 स्क्वायर मीटर दो टाइप के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। कुल मिलाकर 101 प्लॉट निकाले गए हैं। इन प्लॉट्स का रेट 17,500 पर स्क्वायर मीटर है। अगर आप इन प्लॉट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग में अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करनी होगी। अगर आपका प्लॉट निकल जाता है तो ये अर्नेस्ट मनी टोटल मनी में एडजस्ट कर दी जाएगी और अगर नहीं निकलता तो ये अर्नेस्ट मनी आपको वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा मध्यम आय वर्ग के लिए MIG सेमी फिनिश्ड भवन निकाले गए हैं। कुल मिलाकर 28 MIG फ्लैट्स निकाले गए हैं जिनका प्लिंथ एरिया 80 स्क्वायर मीटर है, कारपेट एरिया 59.80 स्क्वायर मीटर है और मानक एरिया 121.89 स्क्वायर मीटर है। इनकी अनुमानित मूल्य 32 लाख रुपए है। पंजीकरण के लिए आपको शुरुआत में 5% डिपॉजिट करने होंगे यानी कि 1,60,000 रुपये और बाकी की धनराशि आपको समान मासिक तिमाही किस्तों में डिपॉजिट करनी होगी। आप इस स्कीम में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 60 दिन के अंदर टोटल डिपॉजिट करते हैं मतलब फ्लैट या प्लॉट की टोटल अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो आपको 5% की विशेष छूट दी जाएगी। ये विशेष छूट टोटल कोर्स पे एप्लीकेबल है। ग्रुप ए के प्लॉट्स खाली टोटल डिपॉजिट के बेस पर अप्लाई किए जा सकते हैं। ग्रुप बी में आप चाहें तो टोटल अमाउंट के बेस पे मतलब टोटल डिपॉजिट के बेस पे या फिर इंस्टॉलमेंट के बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर टोटल डिपॉजिट के बेस पर जो अप्लाई करेगा पहले उनका ड्रॉ निकलेगा। अगर फिर भी प्लॉट रह जाते हैं तो जिन्होंने इंस्टॉलमेंट के बेस पर अप्लाई किया है फिर उनका ड्रॉ निकाला जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप 1-800-180-533 टोल फ्री हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।